सबसे पहला सवाल है ना, क्या ब्रीफ था डायरेक्टर का या म्यूजिक डायरेक्टर का आपको, और क्या अप्रोच करके क्या कहा गया आपसे कि क्या गाने वाले हैं आप और किसके लिए गाने वाले हैं? एक्चुअली ये गाना एक वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, और मुझे बोला गया कि समथिंग वेरी एक फनी टाइप ऑफ सॉन्ग है, और रियली ये गाना वेरी पॉजिटिव है। एक्चुअली हम लोग कुछ सच या झूठ एक होता है ना, उस को हम साबित करने के लिए हम ये गाना जो है बना रहे हैं हम लोग। तो मैं आई, मुझे गाना बहुत पसंद आया और मैंने ये गाना गा रही हूँ। ओके, बाबा के ऊपर गाना है, इफ यू कैन यू नो थ्रो सम मोर लाइट ऑन दैट। हाँ, बाबा जी बहुत हाईलाइटेड है अभी, यू नो एवरी मीडिया न्यूज पेपर एंड ऑल, बाबा जी का गूगल में आप सर्च करो तो इतने सारे निकल के आते हैं, आप पढ़ पढ़ के थक जाएंगे। यू नो बाबा जी के उसमें अभी देखो ओम जी बाबा टाइप करेंगे तो और एक ओम जी बाबा के लिए मतलब एक गाना हम लोग बनाए हैं, तो वो भी आ जाएगा इसमें, एक और जुड़ गया है इसमें। ओके, बाबा जैसे मुझे बताया गया कि बाबा भी इस फिल्म इस वीडियो का हिस्सा बनने वाले हैं, वो कितना पॉजिटिव रहेगा गाने के लिए, एल्बम के लिए? पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्चुअली हम लोग इतना वो हिसाब से हम लोगों ने सोचा नहीं है, बस अभी तो हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, समथिंग डिफरेंट लग रहा है। ओम इज अरेस्टेड इन लोनावाला टुडे बिकॉज़ ही वाज देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रैंड फिनाले। या मुझे किसी ने, मैं गाना गाने के लिए आ रही थी तो किसी ने मुझे रास्ते में बोला कि ओम जी बाबा को किसी ने अरेस्ट कर लिया है, तो मतलब मैंने आकर सर को भी, मुझे सर ने बोला कि यार अपना आमिर जी जो सिंगर है जिन्होंने गाना गाया, मैंने गाना गाया है, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ये गाना अपने आप में बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है, बिकॉज ऐसा गाना आज तक नहीं आया है, ये एक कंफर्म है, और ये एक कोशिश है जो हम सब की, आमिर शेख जी की, आयान जी जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, राजू जी जो डायरेक्टर हैं, सबके तरफ से एक मतलब बहुत अच्छा कोशिश है रियली कि ये बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत अच्छा कुछ आगे करके दिखाएगा। मेन जो सॉन्ग है वो तो आमिर शेख जी का है, मेरा जो भी है वो भी मेरे पार्ट्स मेरे साथ हैं, तो आई जस्ट विदाउट आमिर जी आई कैन नॉट कैरी ऑन द सॉन्ग। एक्चुअली मैं चाहूंगी कि आमिर जी भी मेरे साथ में गाए, तो आई विल बी वेरी मच ग्लैड, जो लोग नहीं जानते हैं इन बाबा के बारे में वो भी जान जाएंगे कि ये गाना इसलिए बनाया है हम लोग ने कि उनको पता चले, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और मैंने गाया है गाना, तो उसका मकसद यही है कि जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में वो जान जाए। मतलब क्या कोशिश है ओम जी को जानने की जरूरत क्या है, पूरा हिंदुस्तान पूरी दुनिया जानती है वो किस तरह के शख्सियत हैं? सब नहीं जानते ना, अभी जरूरी नहीं कि हर आदमी बिग बॉस देख रहा है या हर इंसान बिग बॉस देख रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं देखते हैं बिग बॉस, जो लोग देखते हैं वही जानते हैं अभी असलियत उनके बारे में। तो किस तरह का पहलू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप गाने के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से? वो गाना आएगा तो गाने की रिलीज से सबको पता चल ही जाएगा कि क्या है गाने में कुछ। क्या ब्रीफ था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या लाइनें होंगी कुछ अगर आप बता सकें, क्योंकि आप गा रहे हैं उसको। हमने जो लाइन गाई है वो गा के सुन इफ यू कैन हम सुन या आई कैन। बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन, विचलित लेके विचलित रेन आए ओम जी बाबा। बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन, लेके विचलित ब्रेन आए ओम जी बाबा। जब मैं विचलित की बात करता हूँ तो अपने आप में बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है। हाँ। विचलित लफ्ज ही क्यों, और आप कह रहे हैं कि एक अलग पहलू है बाबा का, बहुत ये सही भी है या नहीं, रूमर्स भी हो सकती है या फिर नहीं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। ओके, डू यू थिंक एक बाबा एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो विनर जो भी विनर हो, विनर्स वो बात की बात है, लेकिन वो भी अपने आप में एक बहुत फेमस और बहुत नोन शख्सियत बन गए हैं अपनी हरकतों की वजह से? नहीं देखिए, नॉन एक दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो किस तरह से वो पॉपुलर हो रहे हैं वो अहमियत रखता है, आपके लोग इज्जत दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो। आपके गाने के बाद कितनी दुनिया बदलेगी? अब देखिए, गाने में हम बाबा को साथ में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो में हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं राजू भाई अमान खान जी, उन्होंने काफ़ी वीडियोज डायरेक्ट किए हैं, ये किए हैं, अभी ये वीडियो भी यही डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने बात की है अभी ओम जी बाबा से कि वीडियो में हमारे साथ आ जाएं, अगर आ जाते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। कैन आई गेट द फीमेल सिंगर? 1 2 3 4 बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन, लेके विचलित ब्रेन आए ओम जी बाबा। बिग बॉस सीजन 10 में आई ऐसी रेन, लेके विचलित ब्रेन आए ओम जी बाबा।
थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस। आमिर जी ने हमको फ़ोन किया और बोला कि एक सॉन्ग करना है, आप आइए। तो एक आइडिया आया है, एक कॉन्सेप्ट एक आया है, तो उस पर काम करते हैं। तो हम आए हम लोग, तो हमें कॉन्सेप्ट जब बताया तो हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि कुछ अलग है और बहुत मतलब एक चेंज है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में। तो फिर इसके ऊपर हम लोगों ने काम शुरू किया, कंपोज किया, लिरिक्स हम लोगों ने खुद ही लिखा हुआ है आमिर भाई ने। हम लोगों ने क्या होता है कि बिग बॉस में जो भी आता है वो एक नाम लेके निकलता है। इससे पहले ओम जी बाबा को कोई जानता था? कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा ने हरकतें ऐसी की कि बाबा बाबा बाबा, मतलब यूट्यूब खोलो तो सब जगह बाबा। मैंने ये सोचा, मिला यार ये बना, ये कॉन्सेप्ट बनाया। आमिर ने बोला सर ये कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने गाना ऐसा बनाया, इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब बाबा को म्यूजिकल बनाते हैं, म्यूजिकल बाबा बनेगा। तो ये खुराफाती आइडिया वहाँ से निकला कि बाबा को जो है, जो भी इनकी हरकतें जो इन्होंने की है और एक्चुअल की है, ये तो हम अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा लिख कर नहीं दे रहे हैं, है ना। हमने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो ये हरकत हुई उसी को हम लोगों ने इन म्यूजिक वे में इसको हम प्रेजेंट करें। ओके, क्या कितने रेफरेंस होंगे जब मैं गाने के लिरिक्स की बात करता हूँ? जी, क्या कोई महिला भी होंगी वीडियो के अंदर या अकेले? ऑब्वियसली बगैर महिला के कहाँ से होगा ये? किसी को अब तक अप्रोच किया है, कोई जहन में है? अभी नहीं, वो किसी को अप्रोच नहीं। पहले एक तो फाइनल हो जाए ना, एक कन्फर्म हो जाए क्या भाई चलो ही इज देयर, सो देन फिर किसी ना किसी को लेंगे जरूर। ओके, ही हैज बीन अरेस्टेड एट लोनावाला पुलिस स्टेशन टुडे। Do you planning to meet him somewhere in police station or ask him to? No, he's in Lonawala. Ask him to be here, Mumbai, and have a discussion on the same. वो कल परसों में पता चलेगा। ये तो मुझे भी अभी पता चला कि भाई he is arrested because of that final. पर देखते हैं अभी, अगर मिलने का मौका मिलेगा बाद में दो तीन दिन में, तो अप्रोच तो किया हुआ है उनको, अप्रोच तो लगा ही है कहीं ना कहीं से कि भाई चलो ये म्यूजिक वीडियो बाबा टीवी में तो बहुत आ गए, म्यूजिक वीडियो में भी आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा। Thank you so much. Okay, thank you.